चलिए आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और इसे बनाने की ना मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी पनीर की सब्जी झटपट बन जाएगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल सबके साथ खा सकते हैं। और आप अपने दोस्तों, फैमिली सबको खिलाइए, ये सबको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों ये देखिए कितनी खूबसूरत सब्जी लग रही है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए 2 कटे हुए टमाटर, इसमें हमने 2 कटे हुए प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन और हरी मिर्च ली है, और पनीर लिया है हमने 200 ग्राम। पनीर को हम छोटे छोटे क्यूब्स पे काट लेंगे, जिस पे साइज में आप इसे काटना चाहते हैं काट सकते हैं, ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है इसमें। तो ये देखिए मैंने इस साइज के पनीर के टुकड़े काट कर तैयार किए हैं, ये देखिए। अभी हम ये सारे प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक को हम ग्राइंडर में अच्छे से इसे पीस लेंगे। दोस्तों इसे जब हम पीस लेंगे ना तो सब्जी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए हमने प्याज पीस लिया है, अभी इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। और आपको तो पता ही है मैं आपके लिए हमेशा दोस्तों मज़ेदार रेसिपी लाती रहती हूँ जो बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें दोस्तों। तो ये देखिए 2 कटे हुए टमाटर लिए हैं हमने, इसे भी हम अच्छे से फाइन पीस लेंगे। अब ये टमाटर हमने पीस लिया है दोस्तों, इसे हम एक कटोरी में निकालेंगे। ये हमने 10 से 12 काजू लिए जिसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रखे थे, इसे भी हम पीस लेंगे। दोस्तों भिगोए हुए काजू को जब हम पीस कर पनीर की सब्जी में डालेंगे ना तो एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ग्रेवी हमारी बहुत स्मूथ बनती है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो अब गरम करते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। मैं यहाँ पे सरसों के तेल से सब्जी बना रही हूँ, आप जिससे भी चाहे, जिस तेल से भी चाहे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। अभी इसमें मैं पनीर को फ्राई करूंगी, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे बस। ये पनीर गर्म हो जाने चाहिए बस, इससे ज्यादा अगर आप पनीर को फ्राई करेंगे ना तो पनीर का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस हल्का सा गर्म हो जाए ये, इसके बाद हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे दोस्तों एक प्लेट में। आप बिल्कुल ऐसे सब्जी बनाना, सब्जी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। ये देखिए पनीर हल्के गर्म हो चुके हैं, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और हाँ दोस्तों आपको तो पता ही है, आपके लिए कोई भी रेसिपी मैं लेकर आती हूँ तो उसमें मसालों का यूज तो ज्यादा नहीं करती, इसके लिए ये सब्जी खाने में हेल्दी भी रहती है। तो अब इसमें मैं थोड़ा हींग मिलाऊंगी, 1 पिंच हींग, बहुत ज्यादा नहीं, 1 पिंच। ये देखिए हमने हींग मिलाई है। इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा मिलाएंगे, ये देखिए इसे हम चटकने देंगे। इसमें हम 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बड़ी इलायची मिलाएंगे। और ये सारे मसालों को अच्छे से दोस्तों आधे मिनट तक भुनेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर ना तेल में आ जाए। और जब ये मसालों का फ्लेवर तेल में आएगा ना तो ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। अब हम इसमें पिसे हुए टमाटर और प्याज को मिला देंगे और इन सारे मसालों को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता। मसालों को भुनने में आपको लगभग लगभग 8 से 10 मिनट लग सकते हैं दोस्तों, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे भुनिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिए ताकि मसाले जले नहीं और मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो इसको लगातार हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और प्याज टमाटर को अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी प्याज अच्छे से भुने नहीं है, हल्के हल्के लाल हो रहे हैं, बाकी इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। जब हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं तो हमारी सब्जी की ग्रेवी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी खुशबू भी रहती है इसकी, और सब्जी खाने में दोस्तों तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस आप पेशेंस रखिए, मसालों को भुनिए। बस ये मसाले भुनने के बाद सब्जी बनाने की प्रोसेस बहुत कम है और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। तो बस इसे हम भुनेंगे। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपके लिए अगली रेसिपी क्या बनाऊं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने 10 से 12 मिनट मसालों को भुना है और ये देखिए अच्छा लाल मसाला बनकर तैयार हुआ है। प्याज टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, तेल भी अलग हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम करेंगे गैस को धीमा और अब हम मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिलाएंगे हम इसमें धनिया पाउडर, अभी आधी छोटी चम्मच हम इसमें मिला देंगे दोस्तों गरम मसाला। बहुत ज़्यादा मसाले हमने इस सब्जी में ऐड नहीं किए हैं, थोड़ा इसमें हम हल्दी मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच कलर के लिए, और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। आप नमक अपने हिसाब से
कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम एक मिनट तक सारे मसालों को अच्छे से भुनेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। अभी हमने इसमें जो काजू का पेस्ट बनाया था इसे हम डालेंगे और दो मिनट तक इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर दोस्तों भुनेंगे। मीडियम फ्लेम पर भुनने से ये सारे जो मसाले हैं ना वो जलेंगे नहीं और बहुत अच्छा फ्लेवर इनका आता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। मैं सच्ची बता रही हूँ, आप ऐसे सब्जी बनाओगे ना तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी आपकी बनकर तैयार होगी और आपको सीरियसली बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को भुनेंगे सिर्फ दो मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी ये देखो दोस्तों, सब्जी का कितना अच्छा कलर आ रहा है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, पर अभी दोस्तों अभी से बनाना थोड़ा बाकी है। तो बस दो मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। ये देखिए दोस्तों, मसाले आपस में बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब फ्राई किए हुए पनीर को हम इसी स्टेज पे दोस्तों डालेंगे और बस मसालों को, पनीर को आधे मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर पनीर में आ जाए। और बस इसे अच्छे से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर ही, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे दोस्तों अभी। और ये देखिए, सारे मसाले पनीर आपस में अच्छे से मिला देंगे हम, तो ये जो मसालों की खुशबू है ना वो पनीर में चली जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अभी हम इसी स्टेज में एक गिलास पानी मिला देंगे दोस्तों, ये देखिए, और फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और इसे उबलने देंगे। जब ये सब्जी उबल जाएगी तभी हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम करने के बाद हम इसे ढक कर 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे ढककर 5 मिनट पकाते हैं। अब चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं सब्जी कैसी बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसे हम अच्छे से चला देंगे। ये देखिए, मुझे तो सब्जी देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है दोस्तों, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी बिल्कुल ऐसे सब्जी बनाना, आपको खा के मजा आएगा। इसमें मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी मिला रही हूँ। कसूरी मेथी से सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप भी डालना, बहुत टेस्टी आएगी सब्जी। ये देखिए दोस्तों, कसूरी मेथी अच्छे से हम मिला देंगे ताकि इसका फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए। और बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अब थोड़ा सा हरा कटा धनिया पत्ता मिलाएंगे और उसके बाद इसमें हम पनीर को ग्रेट करेंगे। पनीर को ग्रेट करने से ना दोस्तों, सब्जी देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब भी आप ये सब्जी किसी के सामने सर्व करोगे ना तो देख, वो कहते हैं ना कि खाना सबसे पहले हम सामने आता है तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये देखने में अच्छा लगता है तो हमारी खाने की भूख तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा बचा लिया था, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पनीर में ग्रेट कर दूंगी, ये देखने में और भी खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला लगेगा दोस्तों। ये देखिए, तो पनीर को मैंने ग्रेट कर दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा अभी हरा कटा धनिया पत्ता मिला है एकदम ताज़ा ताज़ा। ये देखिए, और ये सब्जी लग रही है ना दोस्तों एकदम खूबसूरत और लाजवाब। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मैं आपको अगली रेसिपी क्या बनाऊं। तो ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना एकदम लाजवाब सब्जी, एकदम आप बनाना बिल्कुल ऐसे ही, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैंने आपके लिए काफ़ी सारी रेसिपीज बनाकर रखी है, तो चलिए आप उन्हें देखिए, मिलते हैं।